एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो यहीं पे मैंने अपना लास्ट ब्लॉग जो है वो छोड़ा था, कंटिन्यू वहीं से मैंने अपना ये ब्लॉग जो है वो किया था। लास्ट ब्लॉग अगर जिसने नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं और वॉच करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आइकन बटन पे दे दूंगी, तो जरूर देख ले। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है आज 14 तारीख और यहाँ पे आज तेल हल्दी की ताई की रस्म है, जहां से मैंने अपने लास्ट ब्लॉग को पूरा ब्लॉग जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले से शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो लास्ट में है, यहाँ पे भाभी जो है वो सारे लोग तेल वगैरह चढ़ाने के बाद भाभी जो है इसको तेल को चढ़ाती है, उसके बाद जो है इसको एक जैसा करती है। तो वही सारी रस्में चल रही हैं यहाँ पे। और आप लोगों में से किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एक बार मौका मुझे भी दीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो ननद है उनको मैं जो है तेल चढ़ा रही हूँ, उसके बाद इसे एक जैसा कर दूंगी। चढ़ाने के बाद उसे एक जैसा करने के बाद कान में कुछ हल्के से तेल लगाया जाता है, तो बस वही मैं यहाँ पे तेल लगा रही थी। उसके बाद मेरी सारी जो मदर इन लॉ थी, सासें थी, उन्होंने बताया कि इसको जो पोटरी पकड़ाई जाती है ना, उसको जो है भाभी छीनती है, तो जाओ जाके गेट पे चढ़ जाओ। तो बस वही मैं और नरेंद्र भाभी जो है वो छीनने में लगे हुए हैं। आप लोगों में से किसके यहाँ पे होता है मुझे बताना जरूर। तो हम लोगों में कंपटीशन चल रहा है, उसने चैलेंज किया था कि नहीं भाभी नहीं जीतेगी, तो बस यहाँ पे छीना छपटी की रस्म हम लोगों की चल रही है। कायदे से दोनों लड़ रही है एक बताशे के लिए, एक बुढ़िया भी है बढ़िया वाली एकदम। ये लो यहाँ पे ये रस्म होने के बाद यहाँ पे जो है ये पोटली जो होती है इसको खोल के इसमें पिया पटुआ वगैरह सारे कुछ रखे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा मुंह झुटालना होता है, तो बस वही हम लोग यहाँ पे झुटा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। 14 तारीख को शाम को ही लेडीज फंक्शन भी था, उसी के साथ साथ हल्दी का फंक्शन की भी परफॉर्मेंस थी, तो सभी को सेपरेट सेपरेट परफॉर्मेंस देनी थी जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो शाम को कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था, सभी लोगों ने सिंगल सिंगल डांस किया, सभी लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी और आई होप आप सब भी बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे सारे लोग जो है वो इसी तरीके से फुल ऑन मस्ती करते हैं, बिंदास मस्ती करते हैं।
तो बस यहाँ पे शाम का समय था और 14 तारीख थी आज, और 14 ही तारीख को आज जो है पैरों में और हाथों में भी जो है मेहंदी लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो अकेली थी तो उन्हें पूरी मेहंदी लगानी थी, इस वजह से थोड़ी मेहंदी जो है वो पैरों वाली वो आज लग गई थी, और नेक्स्ट जो थी वो 15 तारीख को लग गई थी। तो बस यहाँ पे चल रहा है हल्दी का फंक्शन, उसी के साथ साथ लेडीज फंक्शन भी, तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए। तो यहाँ पे एक एक करके सभी ने अपनी परफॉर्मेंस दी, और बहुत ही प्यारी पर प्यारी से, इन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, सभी लोगों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी बहुत ही अच्छे से। और सॉन्ग सुनाने का ना रीजन ये है क्योंकि यूट्यूब वाले जो है वो मुझे कॉपीराइट दे देंगे, इसीलिए मैं आपको म्यूजिक जो है वो नहीं सुना सकती हूँ। और आज का हमारी लाडो का लुक जो था वो हल्दी वाला कुछ इस तरीके से था, और बताना जरूर हमारी लाडो जो है वो कैसी लग रही है। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। यहाँ पे लाडो के फंक्शन के बाद जो है, लाडो के फंक्शन की जो ड्रेस के बाद जो है, यहाँ पे रात में मैंने भी अपनी साड़ी जो है वो चेंज कर ली थी, तो रात का मेरे लेडीज फंक्शन का लुक जो था वो कुछ इस तरीके से था। तो यहाँ पे एक एक करके सभी लोगों ने परफॉर्मेंस दी, और जो परफॉर्मेंस दे रही हैं ये सभी मेरी जो हैं नंदे हैं, बुआ की लड़की, चाची की लड़की, तो सभी मेरी जो हैं वो नंदे हैं, और बहुत ही सभी लोग जो हैं वो बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। और सच बताऊं तो अगर यहाँ पे कॉपीराइट वाला फंडा नहीं होता तो मैं आपको म्यूजिक सुनाती तो शायद से और ज्यादा अच्छा लगता, और आई होप आप लोग भी जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, तो इंजॉय करते रहिए इसी तरीके से, और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको ये ब्लॉग जो है वो कैसा लगा। नहीं है और ये है हमारी लाडो की परफॉर्मेंस, इसको बिल्कुल भी जो है शर्म आ रही थी बहुत ज्यादा कि मैं सबके सामने नहीं करूंगी, बट फाइनली हम लोगों की इसने बात मानी और इसने भी परफॉर्मेंस दी। साड़ी कभी पहनती नहीं है तो बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही थी, साड़ी पहन के इसने बहुत ही अच्छा सा जो है वो डांस किया। उसके बाद सबके बाद बारी आती है भाभी की, तो बस यहाँ पे ये जो है वो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सभी लोगों के सामने, जो आस पड़ोस मोहल्ले वाले सारे लोग होते हैं उन सबके सामने कभी डांस करूंगी, क्योंकि जब मैं शादी करके भी आई थी तो मैंने उस टाइम पे भी डांस नहीं किया था। ये डांस जो है ये मैं फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में इस तरीके से डांस वगैरह कर रही हूँ, इस तरीके से इंजॉय कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है कि सच में मैं ससुराल में ही हूँ, क्योंकि मुझे वो वाली उस तरीके से, जैसा होता है ना कि कोई किसी तरीके से ट्रीट करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी लोग जो है वो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन ये वाली बात जो है ना वो मेरे साथ बिल्कुल एकदम
अनचाही हो गई है। मैंने कभी नहीं मतलब ऐसा सोचा था कि मैं बहुत सारे लोग होंगे उनके सामने डांस करूंगी। यहाँ पे सारे ही मोहल्ले के जितने भी लोग थे, रिश्तेदार थे, सभी लोग आए थे और जो है मैंने डांस किया। और आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन सच में इतनी मस्ती हुई। एडिटिंग के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ सभी लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, मिस यू। और बहुत 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 मज़े किए, बहुत इंजॉय किया, और आई होप आप सभी लोग जो है इंजॉय कर रहे होंगे। लेडीज़ फंक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे इसके साथ ही मेहंदी भी शुरू हो गई थी, और मेहंदी की क्लिप्स जो है वो मैंने निकाली थी बट मुझसे कहीं से मिस हो गई, तो ये मैंने किसी से लेके अरेंज की है आप तक पहुँचाने के लिए। तो आई होप आप लोग ये भी इंजॉय कर रहे होगे। और कृष्णा की तबीयत भी थोड़ी सी रात में गड़बड़ हो गई थी, तो मैं जाके फिर उसके पास लेट गई थी। तो गाइज ये थी हमारी ब्राइडल की मेहंदी।